वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज है इंडिपेंडेंस डे, हम इंडियंस का 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है, आप सभी लोगों को पता ही होगा। जिन्हें पता नहीं है, जो बाहर के लोग होते हैं उनको नहीं मालूम होता है, तो उन सबको भी बता दूं कि आज हम इंडियंस के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ था और हम सब लोगों को एक इंडिपेंडेंस ही मिली थी। तो भाई इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन तो बनता है। कल फिर भी जा भी नहीं पाई थी स्कूल, तो मैंने सोचा कि आज उसको घर पर जरूर सेलिब्रेट करवाएंगे। तो ये देखो, ये रेडी हो चुकी है, दो दो फ्लैग लिए हुए हैं, अपना भी लिए हुए हैं और हम लोगों को जो होस्ट करना है वो भी, जो होस्टिंग करनी थी ना वो भी लिए थी। और परेशान कर रखा है उसको मैंने, बकायदा पूरा अच्छे से तैयार कर दिया, जैसे बच्चे स्कूल जाते ना तैयार होते बढ़िया। और खुद भी थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ, वाइट ड्रेस पहन ली है, यहाँ पे अपने फ्लैग लगा लिया है और अभी शेखर में हो रहे हैं रेडी। तो बस जैसे ही रेडी हो जाएंगे वैसे ही हम लोग चलते हैं टेरेस पे, देखेंगे। पहले तो हमें टेरेस पे तो जगह बनानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि कैसे होस्ट कर पाएंगे, क्योंकि भाई घर है कि स्कूल तो है नहीं जहाँ पे बकायदा एक जगह होती है वो फ्लैग होस्टिंग की। तो हमें छत पे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हम अपने झंडे को फहरा सकते हैं। और झंडे को फहराने का भी एक तरीका होता है, कुछ लोग क्या कर देते हैं ना, ऐसे करके स्लीपिंग मोड में लगा देते हैं झंडे को, वो गलत होता है। हमें हमेशा फ्लैग को ऊपर की तरफ रखना चाहिए, तो वो चीज़ भी देखनी पड़ेगी कैसे क्या करना है। तो अभी चलेंगे टेरेस पे। शिवी पहले सबको बोलो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और नमस्ते भी करो सबसे। नमस्ते कैसे करते हैं? हाय भी बोलो। और ये देखो, मैंने इनके लिए कल बैंडेंट जो खरीदे थे आप लोगों को दिखाया था ना, एक मैंने अपने लिए खरीदा था, बोली मुझे दोनों पहनने, तो मैंने उसको दोनों पहना दिए। रखा है फ्लैग, अभी चलते हैं लेकर के। ठीक है, अभी चलते हैं। आ गए अपनी छत पे फ्लैग होस्टिंग के लिए। ये देखो फ्लैग हमारे साथ में है, और शिवी तो भाई अपना फ्लैग लेके मस्त घूम रही है। वो देखो कहाँ पहुँच गई छत के उधर साइड। आ जाओ, झंडा लहराते हुए आओ। ये वेरी गुड। बड़ी खुश है भाई। भाई हम अपना जुगाड़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा हम कहाँ पे फ्लैग होस्टिंग करें। एक तो घर है ना, घर में समझ नहीं आ पाता है, पर शेखर पूरा ट्राई कर रहे हैं फ्लैग होस्टिंग करने की। हो गया, ये शिवी क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो। ये हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलो, आप भी बोल दो भाई हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तेज, जय हिंद भाई। हो गई हमारी फ्लैग होस्टिंग। ये देखो ऊपर फ्लैग हमने लहरा दिया है और बढ़िया एकदम लहरा रहा है, हवा चल रही बढ़िया। और शेखर तो पूरा एकदम देशभक्ति के मूड में है, तो जय हिंद। बहुत अच्छी वाइब्स आती है। हाँ, अपने आप में आज का दिन सच में ऐसा लग रहा है कि देशभक्ति हमारे अंदर जनरेट हो रही है। और देखते झंडा इतना सच में लहरा रहा है, वो देखो हवा चल रही है ना छत पे, तो लहरा भी रहा है बहुत अच्छे से। वैसे जो हवा नहीं चलती ना तो लहराता नहीं इतना अच्छे से, है ना? वही गर्मी भी बहुत लग रही है। अजी मेरा दिमाग पतंग देखने लगा है। सही बात है, पतंग बहुत ज्यादा उड़ रही है। मैं ये भी दिखाती हूँ आपको। तो ये देखो भाई, आज नेशनल हॉलीडे है ना, तो सारे बच्चों वगैरह की छुट्टियाँ होंगी, तो सबके सब अपनी पतंगों को उड़ाने में लगे पड़े हैं। और एक तो हमने अपनी लूट भी ली अभी। ये हमारा फ्लैग देखिए भाई, कितनी तेज हवा चल रही है, मजा आ रहा है देख के भाई, दिल खुश हो गया। फ्लैग ऐसे ही उड़ना चाहिए, मजा आ जाता है देख के, है ना? और भाई शेखर तो फुल टू वाइब में, क्यों अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, नेशनल एंथम भी गाना पड़ेगा शिवी। आओ नेशनल एंथम, नेशनल एंथम गाओ, नेशनल एंथम, नेशनल एंथम गा दो, जनगण गा दो। इतनी धीमे गाओगी? भारत माता की, फिर से बोलो भारत माता की, ये। तो वही नेशनल एंथम भी हमारा हो गया, तो पूरी फ्लैग होस्टिंग अच्छे से हो गई है। और एक्चुअली क्या है ना कि मैं नहीं कर पाई, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मैं ब्लॉग बना रही थी, इस वजह से मैं खड़ी नहीं हो पाई साथ में। लेकिन हाँ, मैंने नेशनल एंथम को बकायदा स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होके कर लिया था, गा लिया था, मीन्स मतलब अपने मन ही मन में गा लिया था, मुँह से नहीं। तो बाकी शिवी और शेखर ने तो गाए थे, आप लोगों ने देख लिया। तो हमारा इंडिपेंडेंस डे हमने ऐसे सेलिब्रेट किया है, पर अभी एक सरप्राइज बाकी है आप लोगों के लिए, वो 90s के किड्स का सरप्राइज है। तो चलिए घर पे चल के दिखाते हैं क्या सरप्राइज है। तो इनको पता नहीं क्या हो गया, ये रोने लगी है, या तो गर्मी लग गई होगी छत पे। चुप हो जाओ, अभी लगाते पंखे। चप चपको कह दो, मुझे रोना आ रहा था, मुझे रोना आ रहा था, आप क्यों रो रहे थे? और ये देखो मम्मा क्या लेकर आई, ये क्या लेकर आए पापा? ये देखो ये लड्डू थे, थोड़े से वैसे हो गए, मैश्ड हो गए। तो यही सरप्राइज था भाई, हम लोग जो 90s के किड्स थे ना हम। अच्छा चुप हो जाओ,
तो भाई मैं ना यही बता देती हूँ आप लोग को, ये सरप्राइज है, लड्डू आए थे, अब ये रो रही है, इनको पहले चुप कराना पड़ेगा। और ये अभी मैं और शिखर खाएंगे और ऐसे ही हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन हमने इंडिपेंडेंस डे का किया है भाई। तो फिर अब चेंज कर लेते हैं, इनको भी चेंज कराते हैं, इनको गर्मी लग रही है इसी वजह से रो रही है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे। ये देखो भाई लड्डू वाले, लड्डू पहले खाना चालू। ये देखो फीलिंग कैसी आ रही है, आ रही ना स्कूल टाइम वाली फीलिंग है ना, जो स्कूल में चार चार लड्डू मिलते थे, ऐसा लग रहा है स्कूल से आया हूं, अभी लड्डू मिले खाऊंगा, छत पे जाके पतंग उड़ाऊंगा। और पता है इन्होंने दो दो तीन तीन पतंगे लूट लिए हैं अभी। मैं तो जल्दी आ गई थी शिवी के साथ में घर पे नीचे, और ये पता नहीं छत पे क्या कर रहे थे, और जैसे ही नीचे आए उतर के कितनी पतंगे लेके आए साथ में, तीन तीन पतंग लूट के लाए भाई। लड्डू को कैसे रखते हैं ऊपर ऐसे, होस्टिंग कैसे करते हैं फ्लैग भाई, इनका तो अभी भी अभी फ्लैग होस्टिंग चल रही है, वो नीचे नहीं करते फ्लैग को ऊपर करते हैं। अरे 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 ऊपर 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 उठाओ। ये और ये शिवी का ब्रदर है, सचिन भाई है। ये देखो ये देखो क्या ऊंचा उड़ा रहे हैं, लगे पड़े दोनों लोग। टीवी अलग चल रही है, साउंड उसका अलग आ रहा है। मजा आ रहा है, बस ऊपर रखते हैं फ्लैग, नीचे नहीं करते फ्लैग को। कैसे रखते हैं ऐसे भाई, ये लोग तो अपना सेलिब्रेट करने में लगी पड़ी है। हाँ अब जाऊंगी अपने लिए खाना वाना बनाती हूँ जाके, थक गई हूँ थोड़ा, कुछ ज़्यादा ही थक गई हूँ आज मैं। तो फ्रेंड्स अब जो है बहुत देर हो गई है, दोपहर की ना 1 बज रहे हैं, तो मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। शिवी को खाना खिला दिया है और शिखर भी अपना चले गए हैं काम पे जल्दी, आज जल्दी चले गए थे, आज उनकी छुट्टी नहीं रहती क्योंकि वो बिजनेसमैन है ना, और आप लोगों को पता होगा कि बिजनेसमैन की ज़्यादा छुट्टी नहीं होती। और मैंने अपना खाना बना लिया है, तो आज बहुत सारा बचा हुआ खाना मेरे पास रखा हुआ है, तो सब दाल और भिंडी सब बचा हुआ खाना मैं खा रही हूँ आज। बाकी शेखर के लिए बना रही थी, मैंने टिंडे की सब्जी बनाई थी और शिवी ने भी उसी से खाया, मैं जरूर रखा हुआ थोड़ा खा रही हूँ क्योंकि बच गया तो उसको वेस्ट तो करना नहीं चाहती, फेंकना चाहती नहीं, तो मैं वही खाने जा रही हूँ। और आज का जो ब्लॉग है वो जाहिर सी बात है इंडिपेंडेंस डे का स्पेशल ब्लॉग था, तो उसको मैं ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहती हूँ, और छोटा सा ब्लॉग था, जो भी हम लोगों ने फ्लैग होस्टिंग वगैरह की थी बस इतना ही कुछ इन्जॉय किया था। और अगर पसंद आया हो ना आज का ब्लॉग तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा मेरा ब्लॉग। और हाँ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और बताइएगा जरूर कि आपने आज का इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट किया भाई, मैंने तो ऐसे किया फ्लैग होस्टिंग वगैरह की, थोड़ा सा ऐसे ही इंजॉय किया और खाना वाना सिंपल सा ही बनाया है, कोई ऐसा नहीं कि उसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी की हो। तो मिलती हूँ बाद में नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय। कल तो मेरा बर्थडे भी है, तो जरूर मुझसे स्टे ट्यून्ड रहिएगा, बिल्कुल मेरे ब्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, जो भी आएंगे रेगुलर कोशिश करूंगी बनाने की। बाय बाय।